सो यहाँ पे ये रहेगा, जो भी आपकी महंगी से सस्ती गाड़ी है सबके आपको कीज मिल जाएंगी, और ये स्मार्ट कीज है, ये बेंटली की चाबी है। ओके okay. अभी तक इंडिया में किसी ने बेंटली की चाबी नहीं लगाई, महीने पहले हमने फर्स्ट की ऑफ इंडिया बेंटली की चाबी लगाई है महीने पहले। सो ये चीज है यार, बहुत बढ़िया बात है। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डीआईवाई जुगाड़, और मेरा नाम है वैभव। सो ये वीडियो होने वाली है हमारी टियागो मॉडिफिकेशन सीरीज की वीडियो नंबर 3। और जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देख लिया था, मैंने सेंटर लॉकिंग इंस्टॉल करवाई थी अपनी कार के अंदर, और अगर वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर जाकर क्लिक करके देख सकते हो। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये वाला रिमोट दिखाया था, ये जो हमें सेंटर लॉकिंग के साथ मिला था, ये वाला रिमोट। और अभी जो की लुक है वो कुछ ऐसी सी है। सो पहले तो मैं आपको भाई से मिलवाता हूँ जिनके पास मैं आया हूँ आज अपना काम करवाने कार का। तो भैया पहले इंट्रोडक्शन दो अपनी थोड़ी सी। मेरा नाम शहशाह है जी, हमारी शॉप का नाम है खालसा लॉक हाउस, जो कि लुधियाना घुमार मंडी में है। तो जिनकी शॉप है खालसा लॉक हाउस, ये बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा पुरानी शॉप है लाइक लुधियाना में, तो भाई से आज सारा काम करवाएंगे। और जो भाई का नाम है शहशाह, बहुत प्यारा है, शहशाह वाला नाम है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल दूंगा कि फ्लिप की कौन कौन से डिजाइन है, क्या कैसे फ्लिप की बनती है, और जो सेंसर कॉपी होता है वो कैसे होता है, और साथ ही साथ जितने भी उसके फीचर्स हैं और उसकी डिटेल्स हैं कॉस्ट की, वो आपको वीडियो के एंड में मिलेंगी। सो ज्यादा टाइम ना लेते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो भैया पहले तो ये बताओ, जो अपनी शॉप है कितने साल पुरानी है? हमारी शॉप जी 35 साल पुरानी है। ओके तो ये बताओ कि अब ये जो दो हमारी चीज है, हाँ जी, तो इसको फ्लिप की में कन्वर्ट करना है, तो यही की बन जाएगी या थर्ड की बनाएंगे उसको? नहीं, हम आपकी तीसरी चाबी बनाएंगे। वैसे तो ये भी बन सकती है, पर इससे आपकी ये चाबी डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर इस चिप की, अगर इसकी चिप निकाल के दूसरी चाबी में डालेंगे। okay. इसलिए हम ये दोनों चाबियां साइड रख देंगे, और आपकी इनमें से कोई भी चाबी फ्लिप की बन जाएगी जो भी आप सिलेक्ट करोगे। सो ये सारे डिजाइन अभी अवेलेबल है भाई के पास, ये सारे फ्लिप की में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सो यहाँ पे ये रहेगा, जो भी आपकी महंगी से सस्ती गाड़ी है सबकी आपको कीज मिल जाएंगी, और ये स्मार्ट कीज है, ये बेंटली की चाबी है। ओके okay. अभी तक इंडिया में किसी ने बेंटली की चाबी नहीं लगाई, महीने पहले हमने फर्स्ट की ऑफ इंडिया बेंटली की चाबी लगाई है महीने पहले। सो ये चीज़ है यार, बहुत बढ़िया बात है, और लाइक पीछे बेंटली का लोगो, तो मतलब मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, ये वाला काम है बहुत लोग करते हैं अलग अलग सिटीज में, बट इनका यह काम प्रॉपर है और बढ़िया नाम है, ठीक है ना। और यहाँ पे BMW की चाबी हो गई। सो ये अपने केस में तो नहीं बनेगी, क्योंकि अपना जो पुश स्टार्ट वाला सिस्टम नहीं लगा हुआ कार में, तो अपना की वाला ही है। सो यहाँ पे अब इसमें से पहले कोई डिज़ाइन चूज करते हैं। सो गाइस ये सारे डिज़ाइन है इसमें, और मैंने फाइनली ये वाला चूज़ किया है, इसमें यहाँ पे अपना ब्लेड लग जाएगा, की बन जाएगी, और अपने पास टोटल 3 चाबियाँ हो जाएंगी। तो भैया ये बताओ, अगर इसके जैसी ही सेम चाबी बनवानी हो, कॉपी करवानी है, तो ये भी हो जाती है? वो भी बन जाती है सर, वो भी नॉर्मल है। सो भाई पहले एक बार सारा प्रोसेस बताओ, कैसे कैसे कॉपी होगा, फिर उसको करते हैं हम। ये जो रिमोट आते हैं ये सभी यूनिवर्सल होते हैं, हम इसमें कोई भी रिमोट जनरेट कर सकते हैं, मतलब किसी भी गाड़ी का बन जाएगा। हाँ जी हाँ जी, पहले हमें जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद गाड़ी में जाएंगे, उसके बाद ये रिमोट प्रोग्राम करेंगे। ये यूनिवर्सल होते हैं, कोई भी गाड़ी कोई भी रिमोट हो इसमें उसका कोड डालेंगे और जनरेट हो जाएगा रिमोट। उसके बाद हम गाड़ी में मशीन लगाएंगे, उसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग होती है। और कई रिमोट ऐसे होते हैं जो बाहर की सेंट्रल लॉकिंग लगी होती है, वो क्लोन भी हो जाते हैं, उसमें फिर गाड़ी में मशीन लगाने की प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मशीन से हम सीधा क्लोन कर देते हैं। ओके सीधा। हाँ जी, जो आपका केस है इसमें आपका रिमोट क्लोन होगा, क्योंकि आपने बाहर से सेंट्रल लॉकिंग लगवाई हुई है। ठीक है। हाँ जी, मतलब अपने को ओबीडी जाने की जरूरत नहीं है? नहीं जी नहीं, ओबीडी हम तभी जाएंगे जब हम चिप को प्रोग्राम करेंगे, रिमोट के लिए हमें ओबीडी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर। हाँ जी, तो अब हम अपनी कार के लिए ये वाला जो सारा प्रोसेस है उसको एक बार रिपीट करेंगे। तो हम आ चुके हैं वर्क बेंच पे, तो भैया अब सारा प्रोसेस आप अपने मुंह से एक्सप्लेन करोगे कैसे कैसे रहेगा। सर ये ना चिप होती है, हर गाड़ी की अलग अलग आईडी होती है, ये देखिए सुजुकी में भी कितनी आती है आईडी, अलग अलग होती है सभी की। टोयोटा की कितनी आईडी है, आईडी 4780, ऐसे इसके नंबर होते हैं। जो आपकी टियागो है उसमें 46 नॉर्मल लगेगा, ऐसे नॉर्मल है, नॉर्मल लगेगा। ये हमारे पास ओरिजिनल चिप्स है 46 की, ये लगेगी इसमें। ये ब्लैंक होती है, ये गाड़ी के हिसाब से कोड होती है, हम इसे इसके अंदर डालेंगे, उसके बाद ब्लेड डालेंगे और रिमोट को केडी से जनरेट करेंगे, क्योंकि इसकी ब्रांड केडी है। हाँ जी, इस मशीन से इसे जनरेट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे रिमोट को खोल रहे हैं, ये मेरे फोन से कनेक्टेड है ये मशीन, मतलब ये सारा सिस्टम कंप्यूटराइज है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये देखिए फोन में सॉफ्टवेयर है। ओके, ये आपका रिमोट है, इसे हम यहाँ पे रखेंगे और क्लोन करेंगे। रिमोट फंक्शंस स्पेशल कॉपी। अब हम इसे स्किप कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ 3 बटन वाली चाबी है। okay. अब हम इसे जनरेट करेंगे। ठीक है, इसमें अभी बैटरी नहीं होनी चाहिए, बैटरी होगी तो ये जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो जनरेट हो रहा है, और मतलब जितना डेटा अपना, मतलब जो हमारी कार है वो इस रिमोट से अब लॉक अनलॉक हो जाएगी। हाँ जी, वो डाटा इसमें सारा क्लोन हो चुका है। ठीक है ठीक। हाँ जी, अब हम इसमें बैटरी डालेंगे।
तो अब रिमोट में हमारा ये सेल डल रहा है। हाँ जी, ये चिप है, ट्रांसपोंडर हमने चाबी में चिपका दिया। तो जो अपना रिमोट है वो तो काम करने लग गया, ये मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ, और जो सेंसर है वो अंदर चला गया। तो अब पहले हम इसको, अब ब्लेड बनाएंगे इसका। ओके, ब्लेड बना के आगे का काम गाड़ी में होगा। आपकी गाड़ी का ये वाला ब्लेड है, हमारे पास अलग अलग गाड़ियों के होते हैं, मतलब सारे कार्स के आपके पास अवेलेबल है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये इसमें फिट हो जाएगा। ये देखिए, इसमें आप पिन डलेगी, उससे ये फिक्स हो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। okay. इस पिन से, छोटी सी पिन से बाहर नहीं निकलेगा ये। तो अब ये जो अपना फ्लिप की वाला ब्लेड है, ये प्रॉपर मतलब की तैयार हो चुकी है। तो अब इसमें चाबी कॉपी करने रह गया, तो अब ये कॉपिंग का प्रोसेस करते हैं। सो अब होने वाली हमारी की कटिंग। तो भैया एक बार जो कटिंग का प्रोसीजर है, वैसे आपकी मशीन थोड़ी नई लग रही है, तो ये सारा समझा दो। सर हम पहले इसके कोड देखेंगे, मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया, चाबी देख के पता लग जाता है कट्स कहाँ क्या नंबर भरना है। तो मैं ऐसे ही आपके कट्स भर दूंगा और मशीन में कटिंग हो जाएगी। ओके okay. नहीं तो आपके पास वो वाली मशीन है लाइक क्लोनिंग करते हैं, एक साइड पे पुरानी चाबी एक साइड पे नई चाबी? वो सर ये वाली मशीन है। okay. हम इसका अब कम यूज करते हैं, क्योंकि अब सारा काम ऑटोमेटिक हो गया है, सारा जमाना ऑटोमेटिक हो रहा है, तो हम यही मशीन यूज कर रहे हैं। ओके, तो मतलब इसके पुरानी चाबी अंदर रखने की जरूरत नहीं, बस कोडिंग भरनी है। हाँ जी हाँ जी, कोड भरने हैं। वैसे ये डिकोड भी कर लेती हैं अगर डिकोड करने हो, पर मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं ऐसे ही कोड कट्स भर दूंगा इसके। ओके ओके, जो अनट्रेंड बंदा है वो डिकोड भी कर सकता है इससे। हाँ जी ठीक है, ये स्टार्ट हो गया सर सारा प्रोसीजर। ओके, तो यहाँ पे चाबी जो हमारी फ्लिप की है वो भाई ने रख दी है, और इधर अब ऊपर से स्टार्ट हो गया, तो ये सारी कटिंग हो गई इसमें। तो लाइक 15 सेकंड में नहीं लगे, और जो चाबी है वो हमारी एक साइड की बन गई है। हाँ जी, ऐसे हम दूसरी और करेंगे। ओके, दूसरी साइड भी सेम कोडिंग होती है? हाँ जी सेम होता है, दूसरी साइड भी गाड़ियों के सेम ही होते हैं। सो अब ये जो अपनी चाबी है ये बन चुकी है, और एक बार आपको मैं दिखाता हूँ। लाइक ये हमारी ओरिजिनल चाबी है, और बिल्कुल इसके जैसी सेम टू सेम चाबी बन गई है। तो अब एक बार इसको पहले हम गाड़ी में लगा के चेक करते हैं कि ये सही से लॉक खोल रही है कि नहीं खोल रही। ये देखिए रिमोट क्लोन हो चुका है इसका, पहले ये वर्किंग है। सो रिमोट जो हमारा सही से काम कर रहा है, अभी बस कोडिंग रह गई है। तो एक बार चाबी लगा के देख रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं लॉक अनलॉक हो रहा है सही से। और अब एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, अपनी फ्लिप की लगा रहे हैं भाई यहाँ पे। भाई अब कार स्टार्ट करके दिखाओ पहले, होती है कि नहीं होती? ये देखिए सेल्फ नहीं उठा रही गाड़ी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं कर रहा हूँ अगर सेल्फ दे रहा हूँ, तो सेल्फ ही नहीं उठा रही गाड़ी हमारी। सो इसका कारण ये है, जो हमारा सेंसर है वो ECU के साथ प्रोग्राम नहीं है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइट आने लग गई है, सिक्योरिटी वाली वो रेड कलर की लाइट। इमोबिलाइजर की जो लाइट है वो ऑन हो गई है, ये नहीं जलती होती वैसे। और भैया एक ओरिजिनल चाबी स्टार्ट करके दिखाओ इसको। तो आप देख सकते हो कार जो हमारी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कार में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चाबी निकाल लेते हैं। तो अब सेंसर की प्रोग्रामिंग करेंगे, अब हम मशीन लेके आएंगे और मशीन इसके ओबीडी सर्किट में डालेंगे, उसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग होगी सारी। ओके ओके। सो भैया अब ये बताओ कि जो प्रोग्रामिंग है हमारी सेंसर की, वो इनमें से कौन सी मशीन से होगी? इनमें से हम एक्सपर्ट है ये मशीन। ओके, इससे हम आपका ट्रांसपोंडर जो है प्रोग्राम करेंगे। वैसे अब नई मशीन आ गई है, अपग्रेड मॉडल आ गया है होटल का। okay. तो इसमें इससे हम सारी बड़ी गाड़ियां सब कुछ कर रहे हैं। ये अलग अलग मशीन है, जैसे मर्सिडीज का है टूल, अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग टूल हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें छोटी गाड़ियां सारी जो नॉर्मल गाड़ियां होती हैं, हाँ जी, सुजुकी वगैरह टाटा सारी होती हैं इसमें। okay. हाँ जी, तो चलो बाहर चलते और करते हैं प्रोग्राम। तो जो टियागो का OBD पोर्ट होता है वो होता है कवर निकालने के बाद फ्यूज बॉक्स के साथ नीचे, और ऑलमोस्ट सारी कार्स का यहीं पे होता है। तो यहाँ पे सेंटर लॉकिंग की हमारी वायरिंग है, तो इसमें भाई ने अपना जो OBD वाला है उसमें प्लग इन कर दिया है। सो जो अब हमारा OBD है वो यहाँ से लिंक हो चुका है, और ये जो हमारा एक्सपैड है इससे कनेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर इसका खोलेंगे, जो एप्लीकेशन है इमोबिलाइजेशन। इसमें बाकी भी ऑप्शन है जो गाड़ियों के सेट होने होते हैं, पर हम इमोबिलाइजेशन में जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ चाबियों का है ऑप्शन। एग्री? तो इसके बाद अलग अलग ब्रांड आ गए, सुजुकी, हुंडई, टोयोटा, जिसकी गाड़ी की हमें चाबी बनानी है। तो हम टाटा में जाएंगे, क्योंकि ये टाटा की गाड़ी है। ठीक है ठीक है जी। इग्निशन ऑन है पुरानी चाबी से, जो कस्टमर की है हमने उससे इग्निशन ऑन किया है इमोबिलाइजर। ओके,
तो हम इसमें यस्ट गाड़ी में जाएंगे, इसका काम यस्ट में होता है। ये वैसे तो नाम सारे ब्रांड के हैं पर इसका काम यस्ट में होता है। ठीक है, हाँ जी। तो ये ऑप्शन आ गया आगे, रेज की या ऐड की, इससे चाबियाँ रेज भी हो जाती है। समझ लीजिए कस्टमर की पुरानी चाबी कहीं पे घूम गई है और उसे डर है कि कोई और बंदा उसकी चाबी उठा के गाड़ी स्टार्ट ना कर ले, तो इसके बाद हम कस्टमर की चाबियाँ रेज कर देते हैं। पर आपके पास दो चाबियाँ पहले से हैं तो हम आपकी रेज नहीं करेंगे, हम ऐड करेंगे पुरानी चाबी इसके गाड़ी के अंदर लगी हुई है, ऐड करेंगे। इंसर्ट द न्यू की एंड स्विच इग्निशन ऑन, नई चाबी से इग्निशन को ऑन करेंगे। ओके, कम्युनिकेट हो रहा है, एक मिनट लगेगा चाबी को प्रोग्राम होने के लिए। हाँ जी, सो यहाँ पे प्रोग्राम सक्सेस हो चुका है। अब इसे ऑफ कर देंगे और इस ओबीडी को निकाल लेंगे। तो मतलब ये इतना सा प्रोसेस है बस? हाँ जी, इतना सा ही प्रोसेस है सारा। तो इससे एक बार कार को स्टार्ट करके दिखाओ। सो आप देख सकते हैं जो कार है हमारी स्टार्ट हो चुकी है और ये हो चुकी है हमारी फ्लिप की रेडी। सो गाइस, अब जो लास्ट स्टेप है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है ये पीछे से लोगो को चेंज करना। तो यहाँ पे भाई के पास लोगोज हैं, तो टाटा की गाड़ी है, वैसे टाटा का लोगो लगवाने का मन तो नहीं है बट फिर भी टाटा की गाड़ी है इसलिए लोगो लगवा रहे हैं। तो अब ये इसके पीछे पेस्ट हो जाएगा और चाबी जो हमारी तैयार हो चुकी है। और यार मतलब टोटली लुक ही चेंज हो गई, जो पहले वाली हमारी चाबी थी वो रिमोट अलग से लटकता हुआ बिल्कुल सही नहीं लगता था, तो ये चीज़ है। और देख सकते हैं, सो ये है हमारी नई चाबी और ये हमारी जो पुरानी वाली चाबी थी, कुछ ऐसा सा लुक है, डिफरेंस आप देख सकते हैं। और कौन सी ज़्यादा बढ़िया लग रही है ये भी आप खुद समझ आ रहे हैं। और गाइस यहाँ पे एक और बात मेंशन करने वाली है, वो जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है, अगर आप इनसे चाबी बनवाने आते हो तो ये आपका एक आईडी प्रूफ लेके रखेंगे भैया, उसका कारण बताओ। उसका कारण ये है कि हमें कैसे यकीन होगा ये आपकी गाड़ी है या कोई और चाबी बनवाने आया है, तो इसके लिए हमें आपका आईडी प्रूफ और आरसी देखनी पड़ेगी। अगर आपके नाम मैच करेंगे या आपके फादर का नाम मैच करेगा तभी हम आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे, नहीं तो हम आपकी चाबी नहीं बनाएंगे। मतलब ये फॉर द सिक्योरिटी रीजन है बट ऑब्वियस, और ये बहुत बढ़िया चीज़ है ताकि इससे चोरियां चकारियां जो हो रही हैं देश में वो हमारे कम हुए। हाँ जी। सो गाइस फाइनली जो हमारी चाबी है वो बन चुकी है और आई होप जो आपको सारा प्रोसीजर है वो अच्छे समझ आ गया होगा। और अगर आप इसको बनवाने आएंगे तो अराउंड कितना टाइम लग जाता है इसमें? 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगते हैं। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपके दिमाग में घूम रही होगी कि अगर आपको अपनी कार के लिए ये वाली चाबी बनवानी है तो इसकी कॉस्टिंग क्या है, तो भैया ये चाबी कितने की पड़ेगी? ये आपकी जो चाबी है ये 2200 की बनी है, बाकी नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं यही इसी रेंज में चाबी बनती है, 2200-2500 इसी रेंज में, कम भी हो जाते हैं 2000 में भी आ जाती है गाड़ी के हिसाब से है। और बहुत महंगी गाड़ियाँ होती है तो उनकी चाबी महंगी? महंगी 10,000-20,000 ऐसे भी होते हैं की चाबियाँ। ओके, हाँ जी। तो मतलब जितने पैसे लगाओगे यार उस हिसाब से ही काम होगा, ठीक है ना। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए चाबियों के रिलेटेड, अगर आपको ये चाबी खरीदनी है तो आप इनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को एंड, अगर वीडियो पसंद आई हो जरूर लाइक कर देना, कोई भी क्वेरी है या कुछ भी है तो नीचे एक बार कमेंट कर दो, ठीक है ना। और साथ ही साथ चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहीं पे सारे लाइव अपडेट्स मिलते हैं। So thank you for watching this video guys, hope to see you in my next video, so till then ride safe, ride hard, we'll see you in our next video, bye bye.